राजधानी जयपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा रविवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये आयोजन भारतीय नववर्ष को समर्पित रहेगा। जयपुर के हवा महल रोड पर रामचंद्र मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे लेकर आज हवा महल रोड स्थित श्री रामचंद्र मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, साथ ही पोस्टर लॉन्च भी किया। साध्वी लोकेश भारती ने बताया कि इस कार्यक्रम में संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय नववर्ष से जुड़े वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्यों को उजागर किया जाएगा। साध्वी ने बताया कि भारतीय नववर्ष विश्व का सबसे विश्वसनीय नववर्ष है, क्योंकि भारतीय कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों की गणना पर आधारित है। इसलिए जन जन में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत करने हेतु संस्थान ये विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें सभी का प्रवेश निःशुल्क होगा। साध्वी जी ने सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु आह्वान किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व भर में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रसार प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि कल बहुत ही विस्तृत रूप से ये कार्य यहाँ पर किया जाएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को रविवार है कल, और बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें भारतीय नववर्ष का क्या महत्व है, भारतीय नववर्ष क्यों मनाना चाहिए, और भारतीय नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये सब समझाया जाएगा। जिसमें कि नृत्य नाटिका होगी, भारत विश्व का हृदय क्यों है, क्यों ऐसा कहा गया, भारत की पुरातन संस्कृति का गौरवमयी इतिहास क्या है, इस पर विचार दिए जाएंगे। साध्वी दीपिका भारती जी, जो कि कथा व्यास हैं, श्री राम कथा व्यास, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कथा करती हैं, संपूर्ण विश्व भर में वह कथा करती आ रही हैं, तो कल उनसे भी हमारी भेंट होगी और वो भी अपने दिव्य विचार यहाँ पर रखेंगी। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में संस्थान संपूर्ण विश्व भर के भीतर आध्यात्मिक व सामाजिक रूप से कार्य कर रहा है, जिसके निमित्त जो कल यहाँ पर भारतीय नववर्ष सेलिब्रेशन होगा, जिसमें हजारों लोग यहाँ उपस्थित होंगे, और केवल जयपुर के लोग नहीं होंगे, बल्कि कम से कम 20 जिलों के लोग यहाँ उपस्थित होंगे, और 1000-2000 लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी इस मंदिर के भीतर। देवस्थान विभाग वालों का ये जो मंदिर है, श्री राम मंदिर, बड़ी चौपड़ पर, और कल प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक बहुत विशाल और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, और सभी जयपुर निवासियों से और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि अपनी भारतीय संस्कृति को, भारत के महत्व को, भारत के गौरव को हम दूर दूर तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले हमें स्वयं जानना होगा कि क्यों भारतीय संस्कृति इतनी महान है। इसी पर एक छोटी सी पुस्तिका भी यहाँ पर कल वितरित की जाएगी, नववर्ष का उत्सव कब और क्यों, जिसमें डिफरेंस बताया गया है, ये भी सभी जनमानस तक वितरित की जाएगी। सभी अपने घर में इसको पढ़ भी सकेंगे, बच्चों तक भी पहुँचाई जाएगी, और यही कार्यक्रम रहेगा। नृत्य नाटिका रहेगी और साथ ही दिव्य प्रसादम की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पर उपस्थित हों और प्रभु के कार्य में अपना योगदान दें, और साथ ही अपने गौरवमय इतिहास पर गर्व करें, लेकिन उसे जानें कि भारत का गौरव क्या है, भारत का दिव्य इतिहास क्या है। और एक बात और कहना चाहेंगे, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, समस्त विश्व में शांति की स्थापना करना। और विश्व में शांति कैसे आएगी, जैसे कोई भी डिजीज़ होती है तो उसकी एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, ऐसे ही शांति, संपूर्ण विश्व को शांत करना, अर्थात संपूर्ण विश्व में स्थित मनुष्य के मनों को शांत करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, तो उसके लिए जो आध्यात्मिक मार्ग है संस्थान का, वह है ब्रह्म ज्ञान, यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार। तो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं, प्रभु का दर्शन करवाते हैं, ऐसा दिव्य संदेश भी यहाँ पर दिया जाएगा। और जो लोग ऐसे आध्यात्मिक विचारों को सुनकर, जिनके मन में ऐसी प्रेरणा होगी कि हम दर्शन करें, तो सोमवार को दीक्षा भी रखी जाएगी, जिसमें प्रभु का दर्शन करवाया जाएगा। तो यही सूचनाएं थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साध्वी दीपिका भारती जी रहेंगी, और साथ ही जयपुर प्रांत के बहुत ही गणमान्य अतिथि जन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वनस्थली से वहाँ की जो डीन है वो भी यहाँ पर उपस्थिति देंगी।